तो भाई अभी पिछला वीडियो आपने बताया था वो ईद वाला जो आपने बताया जी था जी भाई जी, तो ये लग रहा भाई ये छोटे बच्चे जो हैं जी भाई सारी पट्टे हैं और कुछ ब्रीडर है भाई। अच्छा पट्टे हैं क्या ये? जी बिल्कुल पट्टे हैं। तो मेल फीमेल का ये मिक्स के अंदर है ना? कुछ ही है फीमेल, बाकी सभी फीमेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, फीमेल का है ना? जी फीमेल का भाई। कितनी है भाई ये सारे? ये लगभग है भाई 35 के आसपास। अच्छा 35 के आसपास। हाँ और अच्छा अच्छा, खास बात है पूरी की पूरी जो स्पॉटेड कलर के हिसाब से जो चॉइस करते हैं भाई वो वाली है, सारी की सारी स्पॉटेड है भाई। तो भाई उम्र क्या है इनकी? ग्रोथ अच्छी है इनकी, जैसे दूध होता है ना किसी को ज्यादा पिलाने, मतलब 3 महीने से लेके 6 मंथ के बीच की मान लो कुछ बकरियां ही है, ज्यादातर 5 महीने 6 महीने के आसपास की। वही मैं कह रहा हूँ, अधिकतर जो है बकरी 5-6 महीने की। हाँ ज्यादातर 5-6 महीने की है कह सकते हैं। सारी फोर सेल के लिए है और ये फार्म की है। हाँ हाँ पूरी टोटल अपनी फार्म। हाँ अपनी फार्म की। अच्छा ये सेल तो नहीं हुआ लोड भाई? हाँ जी नहीं सेल नहीं हुआ, फोर सेल के लिए है ये सारा, फोर सेल के लिए। जो यूनिक चीज होती है ना भाई, एक एक कलर जो मांगा है उस हिसाब से मैंने ये कलर के अकॉर्डिंग पूरा माल किया। ये फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट जो जो बकरी बड़ी बकरी न लेके छोटी बकरी लेना चाहे ना वो कम अमाउंट में काम करना चाहिए वो उनके लिए। ये बिल्कुल ग्रोथ वाली बकरियां, ग्रोथ वाली है। हाँ इसके अंदर सारी जैसे ये वाली बकरियां अपन देख रहे हैं। हाँ कलर है अभी देखो, ये वाली देखो भाई बहुत अच्छी शाइनिंग में, ये देखो लचकदार बकरियां, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जो बकरियां वो है भाई देखो। एक फार्मिंग के लिए यही बकरियां सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि ये एक अपने बजट के अंदर भी आ जाती है। बजट के अंदर आ जाती है, बहुत अच्छी है। दूसरी चीज है कि मतलब इसको जैसे 20 बकरियां तक भी अपन कर सकते हैं इसके अंदर, है ना? जैसे अपन बड़ी बकरिया अगर 5 ही खरीद सकते हैं तो ये 20 तक खरीद सकते हैं। हाँ एक 20 तक खरीद सकते हैं और बहुत ही अच्छी जो है कि कम कीमत में जो अगर किसान छोटा किसान है अगर उससे बड़ी बकरिया नहीं खरीदी जा रही है, बड़ा अमाउंट रखता है तो उन जो गरीब किसान है जो एक शुरुआत करना चाहते हैं, होता है क्या 5 बकरी बड़ी आ गई तो 5 के लिए तो उनका मतलब बकरिया से ले जाना असंभव होता है, तो उस कारण में क्या होता है भाई जैसे ये छोटी बकरियां 20 चली जाती है तो किसान बेचारा 20 बकरियां 10 में जा रहा है और 5 में भी उसका पूरा दिन खराब हो रहा है, तो ये 20 बकरियां उसके एक साथ आएगी भाई बिल्कुल। और एक अच्छे तरीके से ये कर सकता है इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या भाई ये क्या चीज संभावना रहती है कि इसके अंदर ये बकरी बच्चा देने वाली होगी या फिर नहीं देने वाली होगी या फिर क्या इनकी वो रहती है इसके अंदर बात के अंदर? नहीं अमूमन तो बकरी का जैसे जैसे मेरे कहने का मतलब एक बड़ी बकरी ले गए तो उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है कि बच्चे आ गए बकरियां भी आ गई तो इसके अंदर जो बच सकता है उसके अंदर की जो बच्चा देने वाली जो प्रॉब्लम हो रही है उससे तो बच सकता है, पर इसमें तो सारी की सारी फेस करनी पड़ती है ना? हाँ हाँ वो फेस करनी पड़ती है और सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे बड़ी लेने में तो फायदा है उसमें तो अपन मैं मानता हूँ कि उसमें तो फायदा है, वो एक बड़ी जा रही है इसको खिलाएगा तब तक तो वो बड़ी उसको मतलब वापस देना हो जाएगा, ये 6 महीने के बाद ये 6 महीने 8 महीने बाद देना शुरू होगी, वो ले जाती प्रोडक्ट शुरू हो रही है। बात आती है कि वो किसान जैसे मतलब ज्यादा बकरी ले जाए तक भी ये खरीद के और हाँ, बड़ा लोट ये बड़ा लोट तैयार कर सकता है, 20 में भी घूमेगा बात वही है और ये 50 बकरियां ले जा सकता है उसी अमाउंट में, ये फायदा है। रही बात बच्चा देने की तो ऐसा तो देखो नहीं होता है, कोई एक आध बकरी निकल जाती है तो बड़ी वाली में भी निकलती है और छोटी वाली में भी निकलती है। अब उसमें दो तरीके की जैसे बांझ रहती है उसको अपन को देखना पड़ता है उसमें विशेष तरीके से, तो वो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो यही समझने की वो बात होती है। जब किसान बकरी खरीदने आता है तो वो सब चीजें हम समझाते हैं उसको फेस टू फेस। रेट का क्या रहेगा? रेट का 10,000 से लेके 15,000 के बीच तक की। अच्छा जी, तो पट्टी है ना भाई इसके अंदर, पट्टी के हिसाब से तो एक फिक्स रेट अमाउंट 12,000 होगा या 10,000 होगा या 15,000 होगा ना? नहीं वो 10 से 15 क्यों बता रहे मतलब इसी की बात तो इन्हीं इसी लोड की कर रहे ना अपन। अच्छा इसी लोड की, तो वो तो अमाउंट है जो जैसे पार्टी आने के बाद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक एवरेज क्या रहेगा भाई? एवरेज मान के चलो 12,000 के आसपास। अच्छा 12,000 क्यों? ये फार्मिंग वाली बकरी, फार्मिंग वाली बकरियां इनकी ग्रोथ लंबाई चौड़ाई नाक नक्श पैर नाक कान सब देख के खरीदा, लचक वचक सब मतलब एक पूरा रेडी तैयार वाला है, इसमें कोई वो नहीं है। ब्रीड ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल ब्रीड? ब्रीड हमेशा ही ओरिजिनल मिलेगी, केवल बकरी पे होता है कि कमजोर है या हेल्दी।
अच्छा, बाकी ब्रीड तो यही रहती है, कहीं ना कहीं बकरियों में हो जाता कमजोर और हेल्दी, ब्रीड एक ही रहती है भाई। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअल में जो फार्मिंग वाली बकरियां वो हमने दिखाई है, स्पेशल उन्हीं के लिए, कोई छोटी है तो ये बड़ी भी है, सारा अपन अंदाज लगा सकते हैं। और एक पूरा लोड लेगा तो वो थोड़ा हिसाब से हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा।